दोस्तों आपने ये प्रॉब्लम अक्सर देखी है इप्सन प्रिंटर में, या तो दोनों रेड लाइट ब्लिंक करती हुई मिलेंगी या फिर साथ में ग्रीन लाइट भी ब्लिंक करती हुई आपको ज़रूर मिलेगी। ये प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से आती है। अगर आपके प्रिंटर में तीनों लाइट ब्लिंक करती हैं, पावर बटन वाली और ये रेड और ये दूसरी रेड वाली, तो दोस्तों आपको क्या करना है। अगर दो लाइटें ब्लिंक करती हैं ओनली रेड वाली, तो आपको क्या करना है वो इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एक प्रॉब्लम तो मैं साफ़ कर देता हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो लाइटें ब्लिंक करती हैं, उसमें प्रॉब्लम है आपके इंक पैड में। उसमें आपका इंक पैड प्रॉब्लम में है, इंक पैड चेंज करिए, रीसेट कर लीजिए, वो हो जाएगा। इसी वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। अगर तीनों लाइट ब्लिंक करती हैं तो वो प्रॉब्लम है आपके हार्डवेयर से, प्रिंटर के हार्डवेयर से, उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, किसी को आती है तो मैं वो वीडियो में बता दूंगा। तो इसको रीसेट करते हैं, कैसे करना है देखते रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, प्रवीण ढांडा, आप देख रहे हैं वन मिनट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको रीसेटर जो है इप्सन प्रिंटर का, वो डाउनलोड करना है। प्रॉब्लम चेक करते हैं इस प्रकार से, जैसे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, वो बता रहा है। ये देखिए इंक पैड की दिक्कत है, इंक पैड चेंज करना है। सबसे पहले तो साइड में इंक पैड लगा होता है, वो भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए ये जो है इंक पैड है, ये इंक पैड आपको चेंज करना है। सिंपल ये निकल जाता है नीचे वाला नट खोलने के बाद। इसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखी है, वो जाके देख लीजिए कैसे चेंज करना है। इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की वीडियो आती रहेंगी। लैपटॉप के बारे में बताता हूँ, कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज देता हूँ, और प्रिंटर की तो मैं वीडियो लगभग बनाता रहता हूँ। तो इसको बंद करने के बाद हमें एक रीसेटर टूल है, जिससे प्रिंटर रीसेट किया जाता है, इंक पैड रीसेट किया जाता है, स्कैनर रीसेट किया जाता है, और काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से सॉल्व हो जाते हैं। तो वो करना है डाउनलोड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाएं और जाके डाउनलोड कर लें। उसको इंस्टॉल करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे फाइल को, तब वो पासवर्ड मांगेगा। वो पासवर्ड मिलेगा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर या मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, वहाँ जाएं, मुझे फॉलो करें और DM करें, ताकि मैं आपको पासवर्ड दे सकूँ। और वो भी बिल्कुल फ्री में, किसी भी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो डाउनलोड तो डिस्क्रिप्शन में आप कर लेना, मैं आपको सीधा इंस्टॉल करके दिखाता हूँ किस प्रकार से इंस्टॉल करना है। ये है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तब जाके पासवर्ड मांगेगा। देखिए एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और इसके अंदर जो फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट किया, पासवर्ड की रिकमेंडेशन है, तो पासवर्ड आपको इस प्रकार से फिल करना है। पासवर्ड मेरे फेसबुक पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाएं, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें, आपको मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कैसे इंस्टॉल करना है इसको, मैंने सिंपली इसको जल्दी से इंस्टॉल कर दिया था। तो किस प्रकार से इंस्टॉल करना है, छोटी सी ट्रिक है, की जनरेशन करनी है और उसके बाद आपके पीछे में चल पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार आपको इंस्टॉल होने के बाद नज़र आएगा ये। तो इंस्टॉलेशन की वीडियो भी अलग से दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी वीडियो का लिंक्स का, तो वहाँ जाएं आप। प्रिंटर ऑटो सिलेक्शन है, ऑटो सिलेक्शन नहीं करना चाहते तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दो प्रिंटर लगे हैं अपने सिस्टम में, यहाँ से जाके चेक करेंगे तो दिखा देगा USB 2 पे है ये L3110 प्रिंटर। तो इस प्रकार से आप इसको ओके कर दें। जैसे ही ओके करते हैं, पर्टिकुलरली एडजस्टमेंट मोड है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। सिक्वेंटली भी कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली करें, आपको जो चीज़ दिक्कत में है उसी को करें। अब आपको करना है वेस्ट इंक पैड काउंटर, ये वेस्ट इंक पैड काउंटर है, उसको ओके करें। जैसे ही ओके प्रेस करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करें, मेन को और प्लेंट को। दोनों को सिलेक्ट करके चेक कर लें कि इसमें कितनी काउंटिंग तक ये जा चुका है, फुल है या नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इसको चेक करता हूँ, देखिए चेक करने के बाद 6346 है और फुल हो चुका है ये पॉइंट तक, 100% फुल है,
पैड काउंटर, तो इसको रीसेट करना है। दोबारा से इसको सिलेक्ट करें और इंटीलाइज कर दें, इसको इंटीलाइज कर दें। क्या करेंगे, बिल्कुल रीसेट हो जाएगा। ये प्रिंटर ऑफ की कमांड आपसे बोलेगा अभी, ये देखिए प्लीज़ टर्न ऑफ योर प्रिंटर। तो आपको प्रिंटर ऑफ करना है, तब तक ये ओके नहीं प्रेस करने देगा आपको। आप प्रिंटर को ऑफ करेंगे उसके बाद ही ये आपके सामने ओके प्रेस करते ही चला जाएगा। देखिए प्रिंटर को ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने प्रिंटर को ऑफ कर दिया। अब ये जो कमांड है, जैसे आप ओके करेंगे तो चली जाएगी, जा चुकी है। एक और आई है कि इसमें आपको ये इंक पैड है जो प्रॉपरली इंटीलाइज हो चुका है, अब आपको चेक करना है दोबारा से वेस्ट इंक पैड को। इसको ओके कर दें और प्रिंटर को दोबारा से ऑन कर लें। अब प्रिंटर को फिर से ऑन करें, जो लाइटें प्रिंटर के ऊपर आई हुई थी वो भी चली जाएंगी। आपकी प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो चुकी होगी। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और शेयर भी करना बनता है, और सब्सक्राइब तो दोस्तों कर लीजिए। इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है, दबा दें। प्रिंटर चालू हो रहा है तब तक के लिए। अगर दोस्तों इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट पर जरूर जाएँ, वहाँ भी मैं छोटी छोटी वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपको कोई छोटा सोल्यूशन चाहिए तो आपको उस पेज के ऊपर और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर मिल जाएगा। स्टेबल हो चुकी है लाइट, उसके बाद ये प्रिंटर बिल्कुल ओके है। जब इंक पैड काउंटर आप रीसेट करते हैं तो प्रिंटर थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद ऑन हो जाता है। और आप चेक कर लेना, मेन पैड काउंटर को सिलेक्ट करके चेक करेंगे ना, तब बिल्कुल जीरो रिकॉर्ड मिलेगा इसको। देखिए चेक करने के बाद मैक्सिमम 346 पॉइंट है, बट पॉइंट के ऊपर देखिए तो जीरो है, क्योंकि ये रीसेट हो चुका है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रिंटर की लाइट बिल्कुल स्टेबल है, कोई भी रेड बत्ती वगैरह इसमें नहीं नज़र आ रही है। तो ऐसा था सॉल्यूशन। मैं अब प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से प्रिंट आता है। कहीं यार कमेंट आते हैं बाद में कि आपने पूरा वीडियो नहीं दिखाया, मुझे प्रिंट निकाल के नहीं दिखाया। तो इस प्रकार से प्रिंट भी निकल के आ जाता है, खाली है ये, कुछ रखेंगे इसके ऊपर, फिर भी एक प्रिंट और निकाल के दिखाएंगे आपको। देखिए तो खाली है, इसके अंदर पर मैंने कुछ नहीं लगाया था, पहले एक सिंपल सा प्रिंट निकाला है। दोस्तों इस प्रकार से आपको भी सॉल्यूशन कर लेना है। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करें, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे कमेंट जरूर छोड़ें। अगर आप और किसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यार, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, देखते रहें 1 मिनट सॉल्यूशन। सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।